नमस्कार, tulsi.com की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तिल और मूंगफली की चिक्की बनाना बताऊंगी। चिक्की तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है और तिल की अगर बनी हो तो बहुत ही फायदेमंद भी होती है। सर्दियों में बहुत ही ज्यादा बॉडी को गर्म रखती है, तो सर्दियाँ शुरू हो गई है। आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं ये मूंगफली और तिल की चिक्की कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। तिल और मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हमने ये एक कप मूंगफली के दाने लिए हैं, एक कप हमने तिल लिया है, एक ही कप हमने ये गुड़ लिया है, एक चम्मच हमने ये घी लिया है। बस हमें इतनी ही चीजें चाहिए। चलिए चिक्की बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मूंगफली को हम भून के और इसका छिलका लगा देते हैं, इसे कढ़ाई में डाल देते हैं मीडियम आंच पे, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाने तक भून लेंगे। मूंगफली हमारी भून गई है, हमें बस ऐसी चाहिए कि हम इस तरह से हाथ से रख लें, छिलका आसानी से अलग हो जाए। गैस बंद कर देते हैं, मूंगफली को किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मिर्ची ठंडी हो जाएगी तो हम इसे रगड़ के उसका छिलका सारा अलग कर देंगे। इसी कढ़ाई में यहाँ तेल को डाल के भून लेते हैं। आँच हम धीमी रखेंगे और तेल को थोड़ा सा फूल जाने तक भून देंगे। थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा तो हम आँच हम मीडियम ही रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। तिल थोड़ा सा फूलने लगा है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस इसे 2-3 मिनट में भून के तैयार हो जाता है। गैस बंद कर देते हैं, थोड़ा सा इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे क्योंकि ये कढ़ाई बहुत गर्म है। तिल को भी हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। मूंगफली थोड़ी सी ठंडी हो गई है, कितनी आसानी से छिलका इसका निकलने लगा है। और एक एक दाने से छिलका निकालना मुश्किल है, तो हम एक साथ इसे किसी कपड़े पर डाल लेते हैं और कपड़े से रगड़ के और छिलका निकाल लेंगे आसानी से। इस तरह से रगड़ेंगे, काफी सारे दाने से छिलके निकल गए हैं, जो बचे उसे हाथ से इस तरह से रगड़ के निकाल देते हैं। ये मूंगफली से छिलका एकदम अलग हो गया है, अब हम इसे पीस लेते हैं। तो इसे हमें थोड़ा दरदरा सा ही पीसना है, एकदम पाउडर नहीं करना है। एक दो बार चलाएंगे और इसे मूंगफली पीस लिए, इसे निकाल लेते हैं और तिल को भी हम ऐसे पीस लेते हैं। थोड़ा सा तिल हम बचा लेते हैं जो हम ऊपर से लगाएंगे, 2 बड़े चम्मच के करीब तिल हमने बचा लिया है। इसे भी थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लेते हैं, ये तिल भी हमने थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लिया है, निकाल लेते हैं मूंगफली के साथ इसे। हाँ, अब हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। तो कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डाल लेते हैं, 1 चम्मच के करीब घी में हम ये गुड़ डाल देंगे। गुड़ को पूरी तरह से हम मेल्ट हो जाने देते हैं, पानी ही डालना है, बस हम ऐसे ही इसकी चाशनी बनाएंगे। थोड़ा गुड़ हमारा पहले से ही पिघला हुआ सा है, सॉफ्ट है काफी, जल्दी से पिघल जाएगा ये। देखिए गुड़ एकदम मेल्ट हो गया है, इसे थोड़ी देर पकाएंगे। गुड़ एकदम अच्छे से पक गया है, इससे झाग भी निकल रहा है। थोड़ा सा गुड़ हम पानी में डाल के देखते हैं, एक गुड़ टपका के देखते हैं। पानी में डालने के बाद गुड़ एकदम हार्ड हो जाना चाहिए, अभी ये हार्ड नहीं हुआ है, अभी सॉफ्ट ही है। हमें एकदम हार्ड सा गुड़ जाना चाहिए, वैसा पकाना है। गुड़ एकदम हार्ड हो गया है, अब इसमें हम ये तिल और जो मूंगफली हमने पीस के रखी थी इसमें मिला देते हैं। गैस सब कुछ अच्छे से हम गैस बंद कर देते हैं। किसी बोर्ड के ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा के चिकना कर लेते हैं। ये जो तिल हमने बचा के रखे थे तो इसके ऊपर डाल देते हैं, ये मिश्रण भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। इस तरह से सारा प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी करना है, क्योंकि अगर ये मिश्रण ठंडा हो गया तो फिर ये हम इसे बेल नहीं पाएंगे। ये बचा हुआ जो तिल है वो भी इसके ऊपर डाल देते हैं। इसे थोड़ा सा घी हाथों में लगाते हुए थोड़ा फैला लेंगे। हम इसे बेल देंगे, अगर मिश्रण ज्यादा लगे तो 2 में कर सकते हैं। मुझे थोड़ा ये ज्यादा लग रहा है तो इसमें से थोड़ा मिश्रण निकाल के किसी दूसरे बर्तन में जमा देंगे। हमें बहुत मोटा नहीं रखना है चिक्की को, बेल लेते हैं इसे हम थोड़ा पतला सा, जैसे कि चिक्की होती है। थोड़ा गरम गरम ही हमें इसे बेलना है, ठंडा होने पर एकदम जम जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो इसे बेलना मुश्किल होगा। इसमें हम काटने के निशान बना देते हैं, जिससे कि जैसे बाद में इसे काटने में आसानी हो। जितने बड़े आपको पीस चाहिए उस तरह से निशान बना ले। इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाने देते हैं, तब हम इसके पीसेस
ये चिक्की हमारी एकदम ठंडी हो गई है, इसे निकाल लेते हैं। कितनी आसानी से टूट रही है, जो हमने निशान पहले से लगा दिए थे, तो ये आसानी से हमारे वैसे ही पीस इसके अलग हो जा रहे हैं, एकदम हार्ड हो गई है। सारे पीसेस भी हम निकाल लेते हैं, एकदम अच्छी सी हार्ड हो गई है। ये हमारी मूंगफली और तिल की चिक्की बनके तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी बनी है। इसे आप एयरटाइट डब्बे में भर के आराम से एक महीने तक खा सकते हैं, खराब नहीं हो रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।